सच मॉम होंगी, बहुत परेशान। गुड मॉर्निंग। अरे अब शिनचान को क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं उसे बाद में भेज दूंगी, आप चली जाइए प्लीज। थैंक यू। मिसेज नोहारा, क्या वो अभी तक बाथरूम में है? हाँ। ओके, तो फिर हम चलते। कल रात को पपीता खाया था ना, पूरा पेट साफ हो गया। आप इतनी उदास क्यों हो? आज आपका पेट साफ नहीं हुआ? तुम हमेशा अपना काम लेट करते हो, इसीलिए तुम्हारी बस निकल जाती है। तो चलो मॉम, जल्दी चलो, सूरज निकल चुका है और चिड़िया चहक रही है, हम स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं। आज तुम्हें अपने आप स्कूल जाना होगा। आज टॉयलेट में मुझे ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए शायद मेरी बस निकल गई। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम हमेशा मेरे रहते हो। क्या तुम स्कूल जाने के लिए टाइम से तैयार नहीं हो सकते? तुम टाइम से तैयार नहीं हो सकती? मैं उससे नहीं, तुमसे बात कर रही हूँ। बात समझ में आई शिनचान? अब तुम्हें स्कूल तो भेजना ही है, इसीलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कर लेता हूँ। मुझे लंच भी तैयार करना है, अब जल्दी से खा लो। आज मॉम कुछ ज्यादा गुस्से में लगती हैं। आज मॉम है एक्शन कमी लाल मिर्च जैसी। बीमारी, यहाँ से बाहर जाओ और मुझे चैन से नाश्ता करने दो। कितनी दुख की बात है, आजकल के बच्चे चैन से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देते। अब वो तंग करने टेबल पर तो नहीं आ सकती। कितनी बार कहा है टेबल पर बैठकर खाना मत खाओ। ओके, लंच भी तैयार है, अब हम स्कूल जा सकते हैं, क्यों शिनचान? लंच भी तैयार है और शिनचान भी तैयार है। ऑलराइट, हैंडकरचीफ मेरे पास है, टिश्यू मेरे पास है, ड्राइंग बुक वो भी है। ऑलराइट, हम तैयार हैं। एक अच्छा बच्चा तैयार होकर स्कूल चला। रुको, शायद तुम घर देखो। मॉम, मेरी यूकी चैन की ड्राइंग बुक दो ना। अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए चलते हैं। चलते तो तैयार। मॉम, क्या बात चिंता में की नकल कर रही है? मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ। क्या हिमावरी जोर लगाकर पॉटी कर रही है? ओफो, अब इसे क्या हो गया? तुम जरा एक मिनट रुको बेटा, मैं तब तक टीवी देख रहा हूँ। ओके, अब मैंने डायपर चेंज कर दिया है, चलने को तैयार। ओके, अब कोई चीज हमें नहीं रोक सकती, हम चलने को तैयार है, चलो। बहुत बढ़िया। अभी कुछ मत करना हिमावरी, अभी हमें शिनचान को स्कूल छोड़ना है ना, इसीलिए तुम चुपचाप बैठी रहो बेटा। तुम मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हो, अब और प्रॉब्लम्स मत करना प्लीज। अब पता नहीं ये किससे बातें करने लगी है। रास्ता बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। गाड़ी ही खराब जा रही है। गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है। मॉम मॉम, जरा सुनो। क्या बात है? दरअसल मेरी कैब गिर गई है। कहाँ गिर गई? जहाँ से हम चले थे। मैं बहुत थक गई। क्या आज स्कूल में हाफ डे है? हाँ, इसलिए अब आप जा सकती हैं। मुझे लगा कि आपको पता होगा, लेकिन आपको तो पता नहीं था, आप खामोखा इतनी दूर आ गई। मॉम, मैं तो बस ही घर जाऊंगा, आप अपने आप आना। हाय। अच्छा, तो ठीक से थोड़ा काम करना है। बाय। तो चलो अब चलते हैं। मॉम, घर तक रेस हो जाए।